हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो भाई आज मैं आया हूँ रेड हाउस पर, जो भाई अफजगढ़ से आ गए, कालागढ़ के बीच में ही है। तो हम यहाँ पर ही आए हैं और यहाँ पर भाई काफ़ी सारी पब्लिक है। और भाई अभी मैं आपको बता दूँ, अभी जो मौसम है ना गाइस, वो थोड़ा बारिश का है भाई। अभी थोड़ी थोड़ी बूंदे हो रही हैं गाइस, अभी कुछ मिनट बाद बारिश ही हो जाएगी गाइस, आधे या एक घंटे बाद बारिश पड़ जाएगी गाइस। अभी बारिश भी हो सकती है भाई आधे घंटे के अंदर अंदर। तो भाई मैं आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ। और अभी मैं आया हूँ गाइस अहमद के साथ, अपने भांजे के साथ। तो फिलहाल गाइस यहाँ पर ना नाव वगैरह सब है भाई। गाइस मैं आपको ये सब दिखाने वाला हूँ, उससे पहले आप मेरे चैनल में नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेना। तो चलिए गाइस मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का सब व्यू, और भाई ये कैसा है, और भाई यहाँ कितनी पब्लिक आती है, मैं आपको सब दिखाता हूँ गाइस। गाइस ये देखिए मैं इन्हीं के साथ आया था। कैसे हो भाई? ठीक हो? हाय कर दो सबको। तो कहाँ जाने वाले है अभी हम? अभी हम बोर्ड में जाने वाले है ना जी, बोर्ड। देखिए गाइस उधर साइड बोर्ड भी है, वो काफी सारी है। और देखिए गाइस कितनी सारी पब्लिक आती है भाई, ये काफी सारी पब्लिक आती है और जंगल के अंदर है। अभी थोड़ी थोड़ी बूंदे भी हो रही है गाइस, तो इसी को बोलते हैं गाइस रेड हाउस। तो इसके अंदर भाई आपको खाने पीने का सामान भी मिल जाएगा सामने की तरफ। तो अभी सामने चलते हैं गाइस। गाइस यहाँ पर ना आपको बोट वगैरह भी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर एक तालाब है काफी बड़ा, तो उसी में बोट चलती है। तो भाई अभी थोड़ी बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है गाइस, ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ी थोड़ी बूंदे हो रही है, आधे एक घंटे के अंदर बारिश पड़ जाएगी। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ की बोट दिखाता हूँ, हो सकते हैं हम बोट के अंदर भी जाएं, क्योंकि गाइस अभी बारिश हो जाएगी तो हम नहीं जा सकते, लेकिन अभी हम जाकर देखते हैं भाई अंदर। चले भाई बोट के अंदर चलोगे ना? हाँ चलो। आओ चलते हैं। ये देखिए गाइस वो सामने ना डक वाली बोट भी है, और भी बोट है यहाँ पर। तो किस बोट में बैठोगे आप? हम बता, डक वाली। डक वाली में? हाँ। अच्छा ये देखिए गाइस यहाँ पर तालाब है, काफी बड़ा तालाब है ये, उधर से लेके गाइस उधर साइड तक है, मतलब बहुत बड़ा तालाब है भाई। तो इसमें मछली भी है, फिश है इसमें काफी सारी है ना। ये देखिए गाइस अभी वो डक वाली है ना, तो उसी में बैठेंगे हम। भैया जब थोड़े दिन के बाद में तो वो लग जाएगा ना वाला, तो ये भी स्टार्ट हो जाएगी, तो ये भी यहां का आ जाएगा। अच्छा काम होने के बाद में ये चलेगी? काम होने के बाद में जैसे वो, अच्छा जैसे वो टेल लगी ऐसी ये टेलेगी? नहीं नहीं, जैसे वो जैसे वो बना रखी है ना, हां हां, पेन मारने वाला पेन जो साइड में, वैसे वो होएगा इसमें। अच्छा वैसा होएगा गाइस। वो जो आप देख रहे हैं ना, मतलब डग वाली जो है उसके अंदर एक पेंटिल होता है, जैसे साइकिल में होता है ना, तो उसी तरह होता है गाइस। भाई ये जो होती है ना डग वाली बोट, इसके अंदर एक पेंटिल होते हैं, जैसे साइकिल में होते हैं ना गाइस पेंटिल, तो उसी तरह के पेंटिल होते हैं। हम उसी से चलाएंगे भाई इसको, जब वो आ जाएगी ना मैं आपको उसको पूरा दिखाऊंगा भाई। उसके अंदर पेंटिल होते हैं, दो पेंटिल होते हैं, तो उसी से चलती है वो गाइस। इसमें ना एक भाई इंजन वाली भी है, वो उधर साइड अभी वो भी आ जाएगी, तो उसमें भी अभी हम चल सकते हैं भाई। वैसे तो हम डक वाली में जाएंगे ये कह रहे हैं ना भाई, तो डक वाली में जाएंगे अभी हम। ये देखो भाई कितने सारे लोग यहाँ, काफी सारे लोग आते हैं। कैसे हो भाई, कहाँ से आए हो आप? पास के? अच्छा पास के ही हो आप। नेम क्या है आपका भाई? मोहम्मद सादिक। मोहम्मद सादिक, कैसे हो भाई? शेजान सरताज व्लॉग्स जी चैनल है, और सब ठीक है भाई? हाँ, तो एंजॉय करने के लिए आए हैं आप भी? एंजॉय होता है भाई। गाइस वो ना उधर साइड गए हैं, तो उन्हें आने, तो हम उन्हीं के साथ चलेंगे भाई अंदर। गाइस वो देखिए जैसे वो लोग पेंटिंग मार रहे हैं ना, तो हमको भी ऐसे मानने पड़ेंगे भाई। तो ये तो आ चुकी है गाइस, अभी वो भी आने वाली है भाई, अभी वो घूम कर आएगी। सब लोग अभी बैठे ही है भाई यहाँ पर, रेस्ट कर रहे हैं, बैठे हैं, आराम कर रहे हैं भाई। और यहाँ ना गाइस चेयर वगैरह पड़ा हुई है, जिसको मतलब आराम करना है, बैठना है, कुछ खाना पीना है, तो यहाँ बैठ सकते हैं भाई वो। गाइस अभी ना बारिश पड़ चुकी है भाई, थोड़ी थोड़ी बूंद आ रही है, काफी तेज हो चुकी है, हल्के हल्के आ रही है भाई, बहुत तेज हो चुकी है। तो फिलहाल अभी हम अंदर की साइड चलते हैं, अंदर बैठते हैं, नहीं तो गाइस यहाँ पर ना हम भीग जाएंगे भाई, अभी बहुत तेज हो चुकी है। तो अभी फिलहाल हम बोर्ड में नहीं जाएंगे, जब बारिश रुक जाएगी ना हम जब ही जा सकते हैं भाई। गाइस अभी काफी तेज हो चुकी है भाई, तो पीछे ही चलते हैं भाई अभी फिलहाल तो हम। ये देखिए गाइस कितनी तेज हो चुकी है, तो सभी लोग आ रहे हैं भाई, जहाँ जहाँ सब लोग बैठे ना वहाँ वहाँ से सब लोग आ रहे हैं, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है, मतलब बारीक बारीक बूंदें जो होती है ना वो बहुत तेज हो चुकी है, तो सभी लोग आ रहे हैं। तो अभी हम इसके अंदर की साइड ही चलते हैं भाई, और देखिए अहमद तो उधर साइड है भाई, उन्हीं के पास चलते हैं अभी। गाइस अभी ना हम बोर्ड में जा रहे हैं इसी में, और बारिश में भाई बारिश काफी तेज हो चुकी है, हम जब भी जा रहे हैं भाई इसी में जा रहे हैं गाइस, हम इसी में चलते हैं अभी भाई। फिलहाल हम इसके अंदर ही हैं, और अभी क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ का व्यू भाई कितना अच्छा व्यू आ रहा है भाई, बारिश में काफी अच्छा व्यू आ रहा है, ये देखिए गाइस। गाइस देखिए यहाँ का व्यू भाई काफी मजा आ रहा है यहाँ पर भाई, बहुत ज्यादा बहुत बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं, आगे तक घूम कर आएंगे ना, तो भाई चक्कर लगा दिए और काफी
जाकर तब जाकर गाइस ये देखिए हम यहाँ तक आ चुके हैं, मतलब ये यहाँ से घूमेगी ना तो जाकर रुकेगी। ये देखो भाई व्यू देखो गाइस, आप लोग कितना अच्छा व्यू आ रहा है भाई। गाइस अभी ना बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है बारिश, और भाई अभी थोड़ी ठंड लग रही है, मतलब सर्दी लग रही है थोड़ी। I get this feeling, I wanna run away, hit the highway and... Finally guys, अभी हम बोट में से आए हैं भाई, काफी मजा आया और काफी एंजॉय करा हमने। तो भाई मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, यहाँ पर ना डक भी है, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ भाई, अभी काफी सारी हैं। वो देखिए गाइस सामने देखो भाई, यहाँ पर ना डक भी है, काफी सारी हैं। देखो भाई कितनी सारी हैं भाई, वो कितना अच्छा लग रहा है ना भाई, यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा है। देखिए इधर की साइड ही आ रहे हैं भाई, डक स्पोर्ट क्लब में भाई बहुत ज्यादा मजा आ गया आज। गाइस अभी ना बारिश रुक चुकी है भाई, तो अभी हम जा रहे हैं घर, क्योंकि भाई अभी थोड़ी देर में बारिश फिर हो जाएगी बहुत तेज की, तो फिलहाल हम घर ही आ रहे हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं ना, मैं रेड हाउस पर आया था और रेड कलर की टी शर्ट पहनकर आया था, तो फिलहाल अभी हम घर ही जा रहे हैं भाई। और भाई अभी सब लोग अपने साथ ही हैं, तो सब लोग ही जा रहे हैं घर। गाइस मैं इस ब्लॉग को ज्यादा बड़ा नहीं करने वाला, इस ब्लॉग के एंड में यहाँ पर ही करता हूँ। आई होप आप लोग ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।